बादशाहो हमें 1975 में ले जाती है जब राजनीतिक उठापटक मची हुई थी। आपातकाल का दौर था और कुछ शक्तियां बुरी तरह हावी थीं। रॉयल परिवारों के पीछे सरकार पड़ी हुई थी, खास तौर पर राजस्थान में। जयपुर में रहने वाली रानी गीतांजलि के महल पर छापा मारा गया और सोना जब्त कर लिया गया। गीतांजलि को संपत्ति घोषित न करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। सोने को ट्रक में भरकर जयपुर से दिल्ली सड़क के जरिए ले जाने का फैसला लिया गया। गीता को ऐसे समय में भवानी सिंह की याद आई जो उनके सोने को बचा सकता था। भवानी ने बदमाशों की एक गैंग बनाई जो उसके जैसे ही खूंखार है। दलिया, जिसका किरदार इमरान हाशमी निभा रहे हैं, उसमें जमाने भर की बुराई थी। एक नंबर का इश्कबाज जो औरतों को देख फिसल जाता था। एक ही बात उसमें अच्छी थी कि वो भवानी के प्रति वफादार है और उसकी हर बात मानता है। इस गैंग का एक मेंबर है टिकला उर्फ गुरुजी। टिकला की उम्र हो चली है, शराब उसकी कमजोरी है और गुस्सा नाक पर रहता है। ताला खोलने में माहिर और उसकी उंगलियां चाकू से भी तेज हैं। गीतांजलि की वफादार, सेक्सी और ताकतवर संजना भी इस गैंग में शामिल हो जाती है। इन सभी का एक ही मिशन है, गीतांजलि के सोने को बचाना, जिसे मेजर सेहर सिंह की अगुवाई में ले जाया जा रहा है। 600 किलोमीटर का रास्ता है, 96 घंटे इनके पास है। इस गैंग के सामने सिर्फ कठिनाइयां हैं। पारस्परिक प्रतिद्वंदिता, राजनीतिक ईर्ष्या, शाही रहस्य, धोखे और खतरनाक रेगिस्तान के बीच क्या ये मिशन कामयाब होगा?